मतलब रिलेटेड है हाँ, लेकिन ओडिया ही है सब, सब ओडिया है। लॉर्ड थैंक्स टू लॉर्ड शिवा। हेलो हाय सब मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज गोटे नुआ ब्लॉग स्टार्ट हो गोटे जगह एक्सप्लोर करार अच्छे ये पूरा आगे हिंदी हिं रही तेणु टे एडजस्ट करूँ कारण आम स्टाफ मान सहित। हेलो हाय गुड मॉर्निंग आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है और आज एक नया जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी डिस्कशन चल रहा है क्या आगे क्या खाने का क्या जाने का रूट के बारे में डिस्कशन चल रहा है सारे लोग। रघु सर अभी पूरा हमको पूरा बता रहे हैं, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन रघु सर को ज़्यादा पता है। क्या है ना मेन स्टोरी क्या है ना दो आदमी भी मर जाए रास्ता। और अभी जो हम रूट में जा रहे हैं ना ये एयरपोर्ट रोड है, मैं राजन कुंडन से आया और ये सब लोग जो है वो एलंगे से आए, तो हम राजन कुंडे के अंदर से ये एयरपोर्ट रोड में आ गए। अभी ये रूट में हम लोग जा रहे हैं, बाकी आप लोग जा सकते हैं दूसरा वो आपका दुधवालापुर रोड होके दुधवालापुर डी क्रॉस टी बी एस क्रॉस होके आप चिकवालापुर रोड में जाके आ सकते हैं। बाकी हमको ये नज़दीक पड़ा तो हम इसमें जा रहे हैं, बाकी दूसरा रोड भी आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में मैं बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं भोलेनाथ जी के पास जो कि ईसा फाउंडेशन, आप सुना होगा ईसा फाउंडेशन कोयम्बटूर में पहले ओपन हुआ था वो भगवान शिव जी का जो स्टैचू पूजा होता है। अभी इधर भी नया नया रेडी हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बाकी चल रहा है, उधर ही जा रहे हैं आप लोग हम लोग। चिकबलापुर बागेपल्ली बिटे फुल खाली चिकबलापुर ईशा फाउंडेशन ईशा फाउंडेशन वो तो कोई मतलब नहीं। ये क्या नाम है ये भी जैसे ईशा फाउंडेशन चिकबलापुर भी है चिकबलापुर है उसका कॉपी है। देखो अभी रघु सर भी बता दिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और देखो तो जाने के बाद पूरा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको आना है तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बस रूट भी है लेकिन आपको एक बार मैं तो पहली बार जा रहा हूँ देख के बताता हूँ रूट है क्या है कैसे जाना है। अभी मुझे पता चला कि बस आता नहीं है अंदर तक, अभी बस का कुछ प्लान नहीं हुआ है क्योंकि एनएच तक बस आती है। बस ये देखिए नज़ारा, इसको बोलते हैं व्यू, जन्नत जन्नत। आप आएंगे तो वो ईसा फाउंडेशन के तरफ में वो एयरपोर्ट रोड में आके एंटर करेंगे तो ये प्लेस आएगा उधर। वाओ व्हाट अ प्लेस यार, नेचर माइंड ब्लोइंग। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जाने के टाइम पे जाएंगे दुधवालापुर होके, वो भी रूट देख लेना उधर से भी कैसे जाते हैं। बाकी हम इधर से आ रहे हैं तो अभी इधर का मजा लीजिए। ये देखो भाई पहुंच गए यार, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है ना वो मेन गेट जो ऐसे ही दिख रहा है अभी, मतलब काम खत्म नहीं हुआ अभी चल रहा है। अभी कितना दूर जाना है, अभी अभी इधर से 3 किलोमीटर जाना है, रघु सर जो बोल रहे थे 3 किलोमीटर जाना है अंदर तक। ये इधर आने का प्लान ऑटो सर जी का था, वो मेरे को बताए थे मोहन भाई अटल भाई रघु भाई सब लोग साथ में है और हमारे संग भी है। अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है सभी वही बात रहता है, पूरा वीडियो आपको दिखा नहीं सकता इसलिए स्पीड अप थोड़ा कर दिया, बाकी पूरा दिखा नहीं पूछ सकते आप जितना भी। ये देखिए रोड भी अभी काम नहीं हुआ है, अभी रोड काम का मतलब चल रहा है काम उसका अभी। वाओ वाओ गॉड
अरे यार भगवान जब नेचर बनाता है इतना अच्छा तो बना देता है, लेकिन साला इधर लोग खराब कर देते हैं इसको। कितना अच्छा है, वाओ ब्यूटीफुल ट्रेमेंडस लोकेशन है यार अभी। लेकिन इधर कोई होटल नहीं है, कुछ शॉप नहीं है, बटर शॉप कुछ भी नहीं है, यही प्रॉब्लम है। बाकी व्यू तो भाई यार जन्नत जन्नत यार, देख के ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। एक्चुअली में ये सब नेचर देख के ना तो लगता है कि हाँ यार, मतलब ये पृथ्वी पर भी ऐसा जगह है, बहुत जगह घुमा है यार। ये भी उसमें से एक है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखो गगनचुंबी की जो पहाड़ है ना, वो हमारा बादल जो है उसके ऊपर टच आगे टच करके जा रहे हैं। तो सोचो अभी वीडियो में ऐसा दिख रहा है, मेरे पास तो अच्छा वाला क्वालिटी का कुछ नहीं था, इसलिए जितना भी क्या दिखाने की कोशिश किया है बस उतना ही। लेकिन आप रियल में देखोगे ना तो 10 गुना ज़्यादा मिलेगा आपको, मतलब 10 गुना अच्छा लगेगा। अभी आगे से दिखाई दे रहे हैं, जय भोलेनाथ प्रभु। वाह माय गॉड, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। व्हाट ए लोकेशन, प्लीज़ कमेंट एक्सप्लोर दिस लोकेशन। मेरा भाई जो भी देख रहे हैं यार, प्लीज़ आओ। अभी हम जा रहे हैं पूरा जो भगवान के पास हम जा रहे हैं। अभी आगे देखो, आगे सब जा रहे हैं। यस यस यस, हम लोग पहुंच गए। बहुत अच्छा लग रहा है यार। अभी वन वीक पहले ओपन किया गया है और आगे हम लोग एक्सप्लोर करने पूरे टीम के साथ आए हैं और देखते हैं क्या होता है। बाकी भगवान की कृपा रहेगा तो बहुत ऐसे ऐसे जगह जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, हम तो पूरा एक्सप्लोर नहीं करवाएंगे, बाकी जितना हो पाएगा उसको करेंगे। जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय शंभू। इधर का जो हवा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मरीज को दवा मिल गया यार। मतलब ऐसा लगता है कि गॉड का ब्लेसिंग जो है ना इधर है यार। कुछ भी कहो लेकिन है, ब्लेसिंग है। पूरा स्टैचू के पास है, अभी देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सिटी ओ उधर जो है ना, वो शिवलिंग जो पूजा होता है उधर ही है, और ऊपर ये भगवान जी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इधर सब बंद कर रखा है। व्हाट अ व्यू यार, थैंक गॉड, थैंक्स टू लॉर्ड शिवा। देखिए आपका ईशा फाउंडेशन का जो बेंगलोर में है उसको आज विजिट के लिए आए थे और देख लिए, अच्छा है। अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, बाकी 1-2 महीने में शायद मतलब विजिटर्स का आना ज़्यादा हो जाएगा। बाकी व्यू भी ज़बरदस्त है, देखो उधर कोयम्बतूर में है पूरा कोस्टल में, और ये पूरा हिल स्टेशन है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में मतलब लग रहा है कि हाँ भगवान शिव जी का एक घर है, जो ऐसे रहते हैं ना जो भगवान शिव, वही सही है। अभी उधर देखिए, इधर कंप्लीट नहीं हुआ बाउंड्री, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इसीलिए हम पहले ही आ गए, मतलब ओपन हुआ कुछ दिनों में आ गए। मतलब इधर जो कोयम्बतूर में जैसे कल्चरल प्रोग्राम चलता है ना, सदगुरु आके देते हैं स्पीच वगैरह, जो भी मोटिवेशन के लिए और जो रियल फैक्ट है उसको बताते हैं, और इधर वैसा सब चालू होगा, बहुत अच्छा प्लेस है। और अभी कब चालू होता है उसको देखते हैं। मैं इधर आ गया चल के, और हमारा गाड़ी आगे खड़ी है, बाकी सब भाई लोग आगे चले गए, अभी जाके ऑफिस भी जाना है, तो इसीलिए ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। बाकी नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, जो कि हमारा साथी उनको लेकर आएंगे, तब बताएंगे। शायद अब आज आ रहा होगा, हो गया टाइम, चलो जाते हैं, रास्ते में क्या मिलता है देखते हैं, बाकी आपको फिर बताते हैं कब आएंगे। ओके थैंक यू, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। कार संबलपुर, कार संबलपुर लैंग्वेज से ऑनलाइन ना, संबलपुर लैंग्वेज है, संबलपुर, संबलपुर बलांगीर, बलांगीर जहाँ, बलांगीर कहाँ पे, 3 लैंग्वेज ओडिशा में, कोरापुट का लैंग्वेज दूसरा है, कोरापुट कलांडी उधर अलग है, बरगढ़ संबलपुर वो अलग है, संबलपुर सीटा बरगढ़ वो अलग है, लैंग्वेज एक है, और बाकी ओडिशा अलग है। नहीं नहीं नहीं, बाकी इधर मयूरभंज साइड हमारा दूसरा अलग है,
नहीं नहीं बहुत मतलब रिलेटेड है हाँ, लेकिन बढ़िया ही है सब सब बढ़िया है भाई। अभी हमारा उड़ीसा का जो लैंग्वेज है ना उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी देखो रिटर्न कर रहे हैं उधर से, हो गया, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था, अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो पूरा सब आ गया। अभी टाइम ही लाना देवा 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 देवा। अभी एक लेक जाते टाइम एक लेक मिल गया, उसको भी देख रहे हैं। अच्छा व्यू है, बहुत बड़ा लेक है, अच्छा है। अभी आगे जाते हुए अभी हमको एक मंदिर मिला जो कि 1300 साल पुराना है, मतलब 1300 ईयर्स ओल्ड टेम्पल नंदील्स के पास में पड़ेगा। अभी आज तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो उसको देखेंगे अंदर जाके। आपको तो पता होगा मैं आते टाइम बोला था हम दूसरा रूट में रिटर्न करेंगे, अभी ये दुधवालापुर रूट में रिटर्न कर रहे हैं। ये जाके डायरेक्ट दुधवालापुर में TBS क्रॉस में कनेक्ट हुआ है, उसी रूट में जा रहे हैं। ये भी नंदील्स रूट है, आगे जो दिखा दिख रहा है ना गगनचुंबी पहाड़ और उसका बादल जो है वो पूरा जो पहाड़ को चूमते हुए निकल रहा है, अभी वही वाला देख रहे हैं। इधर ये नंदील्स मैं नहीं आया हूँ लेकिन आऊँगा कभी तो एक ब्लॉग बना के आपको दिखाऊँगा। अभी हम जा रहे हैं रिटर्न, अब इस टाइम भी हो गया, उधर जाके पहुँचना पड़ेगा। बाकी व्यू देखते जाओ आप लोग, कैसा व्यू है नज़ारा, आप लोग भी आके आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कि रेस्ट्रिक्शन है कुछ नहीं है, आराम से आके एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, दिक्कत कुछ भी नहीं है। क्या व्यू है यार, सुपर गढ़ दूसरी ग्रेट हो यार, इतना अच्छा ये दुनिया को बनाया था लेकिन इधर का इंसान थोड़ा ख़राब कर दिया यार। आपसे माफी मांगते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। ये देखो किलोमीटर मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा सा इंसान ಆಗಿದೆ
अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। अभी उधर तो देखें आपको एक भी दुकान नहीं मिला रास्ते में। अभी इधर आ गए हैं हम लोग दुधवालापुर स्टेशन के पास। अभी उधर ही नाश्ता कर रहे हैं। अभी देखो नाश्ता करके सीधा निकलेंगे ऑफिस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब तक का पूरा सफ़र था ऐसा ही और ऑफिस से आके अभी मैं इधर ही मार्केट में हूँ। और अभी आज का ब्लॉग ऐसे ही था और कहाँ जाना है नेक्स्ट प्लेस तीन करके मेरे को बताइए कहाँ जाना है, कहाँ एक्सप्लोर करना है। और वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय जय भारत।